अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ फाइन, डूइंग गुड। सो दिस इज़ योर टीचर एंड योर सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज़। एंड एज यू नो दैट वी आवर एग्ज़ाम्स आर कमिंग क्लोज एंड वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन रिविजन, सो वी यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। सो वट एवर वी आर रिवाइजिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। First, try to understand your topics, learn or memorize, and then write it. ये आपने करना है। How does the government find out about the poet? ये आपको देखिए, people living in Pakistan, ये question answers हैं। Let's see first from the beginning. People and work, ये आपका है 29 का, ये आपका chapter है। कुछ question answers हैं, कुछ exercises हैं जो आपको practice करनी है। Let me read all the questions one by one. One, how does the government find out about the people living in Pakistan? Kaise find out karte hain? What is the importance of education and training for the people? Kaise? Kya importance hai kisi bhi education ya training ki logon ke liye? What are the some of the problems caused by overpopulation? ओवरपॉपुलेशन के क्या नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपको बतानी है। और आपके पास टिक लगाना है, जो आपको सही लगेगा स्टेटमेंट उस पर आपने करेक्ट लगाना है, ठीक है। जो आपको सही नहीं लगेगा उस पर आपने क्रॉस करना है। ये आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपने करनी है अपनी एक्सरसाइज। आपकी कॉपी में भी हुई हुई है, यू हैव टू इट। अच्छा, आप देखिएगा ये आपके बुक में भी होगी। हाउ डज द गवर्नमेंट फाइंड आउट, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी में हुए, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डज द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। कैसे वो उनको पता चलता है कि लोग रह रहे हैं। द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द पॉपुलेशन इन द कंट्री बाय सेंसेस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं, जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, मर्दमशुमारी, उसमें पता करते हैं कि कितने लोग रहते हैं। घर घर जाके उसकी काउंटिंग होती है तो उससे पता चल जाता है, ये रजिस्ट्रेशन होती है आईडी कार्ड्स की, उससे भी पता चल जाता है कि कितने लोग रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, लेट मी रीड द सेकेंड क्वेश्चन इज, What is the importance of education and training for the people? क्यों ज़रूरी है, क्या importance है उसकी? इसका आंसर देखते हैं, ये you have already you have done. इसकी क्या importance है? It is important that people are educated and trained so that they can find jobs for themselves. उनको ये फ़ायदा होता है कि वो अपने लिए jobs तलाश कर सकते हैं, so they can survive and survive. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही फिट होता है जो सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए सर्वाइव के लिए आपके पास जॉब का होना जरूरी है, सो यू कैन फुलफिल योर नीड्स, योर नेसेसिटीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉपुलेशन। क्या प्रॉब्लम, ये देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। इफ़ अ कंट्री इज़ ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, इट लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स सच एज, बहुत सारी प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्कूल्स, स्कूल कम होंगे जब लोग ज़्यादा होंगे तो कैसे इतने सारे लोगों की एजुकेशन होगी। हाउसिंग, घरों की, जॉब्स एंड सिक्योरिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवर पॉपुलेशन के, जब लोग ज़्यादा होंगे तो फिर इतने ज़्यादा स्कूल थोड़ी बन सकते हैं, इतने सारे हॉस्पिटल तो नहीं बन सकते, तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन का, ज़्यादा लोगों का होना भी एक प्रॉब्लम है कंट्रीज़ में। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि आपके पास ये है, ये आपकी बुक में भी हुआ हुआ है टिक मार्क्स। टिक्स का मतलब, इसका मतलब है राइट, इसका मतलब है रॉन्ग। जो आपको स्टेटमेंट राइट लगेगा उस पर आप राइट का मार्क लगाएंगे, जिस जो आपको रॉन्ग लगेगा उस पर रॉन्ग का मार्क लगाएंगे। आउट ऑफ 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान, नहीं बहुत ज़्यादा हैं, ये गलत है फिगर, क्रॉस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग सेंसेस, लोगों के सेंसेस के वक्त
लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है? येस करेक्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन सिटीज. करेक्ट, सम पीपल इन दिस कंट्री हैव नो वर्क टू डू. येस, एवरी जॉब हैज़ अ वैल्यू. येस करेक्ट. So practice all these. Wish you good luck for examination. Take care and goodbye.